पिछले वीडियो में तुम लोगों को काइनेटिक प्रॉपर्टी जब केमिकल रिएक्शन बताए थे और ये कह रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन तुम लोगों को बताएंगे जो कि होगा रेस्पायरेशन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सप्लेन। श्वसन क्रिया जो है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया इसको एक्सप्लेन करना। आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो ताकि हर नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंचे। अपनी दिक्कत को कमेंट्स के द्वारा लिखो उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हम सब आगे बढ़ाते हुए कथा वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम लोग को एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए और यह एनर्जी हमें जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त होता है। ब्लिंग डाइजेशन पाचन क्रिया के दौरान द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। भोजन जो है वह छोटे छोटे साधारण सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फूड लाइक राइस ब्रेड एंड पोटैटो कंटेंस कार्बोहाइड्रेट। भोजन जैसे भात हुआ रोटी हुआ आलू हुआ इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन। पाचन क्रिया के दौरान यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। दिस ग्लूकोज देन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। यह ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। इसको हम लोग श्वसन कहते हैं। Thus, during respiration, glucose combines with oxygen in the cell of our body to give CO2, H2O along with energy. इस प्रकार respiration के दौरान glucose हमारे शरीर में oxygen के साथ combine करता है जिससे carbon dioxide, water और साथ में energy मुक्त होता है। इस reaction को C6H12O6 aqueous medium में प्लस 6O2 गैसियस स्टेट में 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये रेस्पायरेशन का इक्वेशन हो गया। देयरफॉर रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रकार रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के विभिन्न प्रकार। नंबर फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। नंबर दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन या विघटन अभिक्रिया। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वि विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अपक्षेपण अभिक्रिया। छठा है फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सातवां है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया जिसको कि रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिडक्शन से रेड ले लिया ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया इस रिएक्शन का नाम हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज इतना ही एक एक करके इसको डिटेल स्टडी करवाएंगे। ठीक है बहुत तेजी से नहीं इसको करना है धीरे धीरे से करवाएंगे। आज इतना ही तब तक के लिए गुड नाइट।